सर स्क्रीन नजर आ रही है सही प्रॉपरली आपको? ठीक जी आ रही है। तो पहले तो है इसका ठीक स्टार्ट है। करें, एक्सप्लेन करें आपका टॉपिक क्या था, क्या चीज़ थी उसके, और फिर उसके बाद अपनी स्लाइड शुरू कर लें। ठीक। जी बिल्कुल ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम फैसल शहजाद है और मेरे जो साथी हैं वो शफक अब्बास हैं, और हम दोनों को आपने असाइनमेंट दी थी पेपर एक प्रेजेंटेशन की, और जो हमारा पेपर था उसका टाइटल था हाउ क्विक इज क्विक। अब ये जो पेपर है सर इसके ऑथर्स थे मिस्टर मैगेसी, मिस्टर एमर एंड मोलनार, और ये तीनों इनका ताल्लुक था हाई स्पीड नेटवर्क लैब है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड मीडिया इन्फॉर्मेटिक्स बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स बुदापेस्ट हंगरी से। अच्छा ये सर एक कॉन्फ्रेंस पेपर था, इसको प्रेजेंट किया गया था 2016 में आई ट्रिपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशंस में, जो कि हैपन हुई थी 23 से लेकर 27 मई 2016 तक कुआलालंपुर मलाइशिया में, और इसका जो यूआरएल है कॉन्फ्रेंस का जहां पे सी प्रोसीडिंग और मजीद डिटेल देखी जा सकती है वो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर गिवन है। सर जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, रिलेटेड वर्क होगा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये तीन एस्पेक्ट जो हैं इस पेपर के वो मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद रिजल्ट, लिमिटेशन और कंक्लूजन जो है वो मैम शफक जो है वो इस हवाले से उस पे रोशनी डालेंगे इस पेपर के, और एंड में फिर क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो हम कंबाइंड आंसर कर देंगे अगर किसी के आंसर वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे इस हवाले से। तो सर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा जैसा कि हम देख रहे हैं कि वेबसाइट के अंदर जो है इंक्रीज आती जा रही है, जो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है तो साथ साथ उसके अंदर जो वेबसाइट्स हैं उनके डेटा में रिचनेस आती जा रही है, तो मोर वो लाइक पिक्चर्स, मल्टीमीडिया, ऑडियो और इस तरह की चीजों की ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन होती जा रही है। अब इस रिचनेस की वजह से जो वेबसाइट का साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है। वेबसाइट जो है नस्बतन पहले स्टैटिक पेजेस होते थे एचटीएमएल के, या कुछ बीच में ग्राफिक्स ऐड हुए हुए होते थे, अब जो है उसमें से ज्यादा जो पोर्शन है, जो ज्यादा चंक है वो मल्टीमीडिया डाटा और इस तरह की चीजों के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, और स्पेशली जब से वेब 2.0 इंट्रोड्यूस हुआ है तो वेब इंफॉर्मेशन की नई डायमेंशन इंक्लूड हो गई हैं जो कि डायनेमिक कंटेंट्स के ऊपर बेस कर रही होती हैं। और जब ये सारी चेंजेस आई तो ये फील किया गया कि जो करंट वेब कंटेंट डिलीवरी का प्रोटोकॉल है जो कि HTTP है वो उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है कि वो इन रिच मल्टीमीडिया कंटेंट्स वाली वेबसाइट को प्रॉपरली जो है वो डिलीवर करवा सके क्लाइंट एंड तक। तो इस कमी को महसूस करते हुए मुख्तलिफ जो रिसर्चेस हुई उसमें गूगल ने सबसे पहले एक नया प्रोटोकॉल मुतारिफ करवाया जिसका नाम था SPDY इन 2009, और ये जो था ये भी TCP बेस्ड था, जैसा कि HTTP जो है वो भी TCP बेस्ड एक प्रोटोकॉल है, सेम ये SPDY भी जो है वो TCP बेस्ड प्रोटोकॉल था, और उसके बाद उस पे काम चलता रहा चलता रहा, और फिर SPDY के अंदर जो लिमिटेशन नजर आई उनको मद्देनजर रखते हुए गूगल ने मजीद इम्प्रूवमेंट लाते हुए जो क्विक प्रोटोकॉल है जो जो कि मुखफ्फफ है, एब्रीविएशन है क्विक UDP इंटरनेट कनेक्शन का, इसको इंट्रोड्यूस करवाया 2013 में, और आज का जो हमारा ये जो पेपर था वो इसी क्विक प्रोटोकॉल की परफॉर्मेंस एनालिसिस के ऊपर था। फैसल, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, और दिस इज कॉल्ड स्पीडी। लाइक हम कहते हैं ना कि इट्स फास्ट, फास्ट से जो स्पीड होता है, तो स्पीड से इसको जो प्रोनाउंस सर किया जाता है, इट्स स्पीडी। स्पीडी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक हो गया। तो ये जो है ये बेसिकली क्विक, स्पीडी और HTTP का कंपैरिजन शो कर रहा है ये पेपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर। इसके अंदर जो फील किया गया जो इसका सेक्शन नंबर 2 था रिलेटेड वर्क है उसमें उन्होंने ये चीज डिस्कस की है कि HTTP जो था उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी। वो क्या क्या थी? सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा कनेक्शन ओपन करता था। अगर आपका एक वेब पेज है उसके अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो जो वेब पेज होता था वो टोटल 21 कनेक्शन बनाता था। पहला कनेक्शन बनाता था जिसके अगेंस्ट वो HTML फाइल को डाउनलोड करता था, और उसके बाद फिर वो जो 20 ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर एम्बेड हुए हुए होते थे, लाइक कोई पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, तो वो उनके लिए फिर अलग 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 एक कनेक्शन बनाता था। तो इस तरह से एक पेज के लिए भी काफी ज्यादा कनेक्शन इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते थे। उसके बाद चूंकि HTTPS जो है वो बेस्ड ऑन TCP था, और TCP जो है वो उसके अंदर एक फीचर दिया गया होता है ऑटोमेटिक कंजेशन कंट्रोल का। तो अगर किसी जगह पे अगर कोई नेटवर्क के अंदर कोई इशू आता है और आपके कुछ पैकेट ड्रॉप होते हैं तो TCP फौरन बैक कर जाता था, और उसके बाद वो अपने जो
एक वक्त में कितने पैकेट सेंड हो रहे हैं और किस तरह से वो डिलीवर हो रहे हैं, उन चीजों को वो बड़ा डाउन कर देता था एकदम से ही। तो जरा से भी नेटवर्क के अंदर कोई ग्लिटर आता था तो उसके बाद आपकी जो HTTP के ऊपर की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वो TCP बेस्ड था और TCP फौरन से वो कंजेशन कंट्रोल इंप्लीमेंट कर देता था, उसके लिए काफी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती थी जरा सा किसी जर्क आने की वजह से भी नेटवर्क के अंदर। उसके बाद तीसरी चीज थी क्लाइंट इनिशिएटेड कनेक्शन होते थे। होता यह था कि बिलफर्ज एक क्लाइंट ने google.com का पेज मंगवाना है तो उसने लिख दिया कि http://google.com। अब google.com ने उसको अपना सबसे पहले जो HTTP वाला पेज भेज दिया जिसके अंदर HTTP की इंफॉर्मेशन लिखी है। अब गूगल के सर्वर को ये पता होता था कि इसके अंदर जो मेन ग्राफिक वो बड़ा सा गूगल लिखा हुआ रहा होता है वो वाला, और उसके अलावा और जो 20 चीजें उस पेज के ऊपर एम्बेड हुई भी है ये भी इस क्लाइंट को चाहिए। लेकिन चूंकि HTTP क्लाइंट इनिशिएटेड प्रोटोकॉल था तो इसकी वजह से गूगल को बावजूद गूगल के वेब सर्वर को या किसी भी वेब सर्वर को ये पता होते हुए कि क्लाइंट ने अभी थोड़ी देर के बाद मुझसे चीजें मांगनी मांगनी है, वो वेट करता रहता था कि कब क्लाइंट उन चीजों की रिक्वेस्ट भी मुझे भेजे और देन मैं उसको जो है ना वो सर्व करना शुरू करूं। तो ये एक इशू फेस होता था कि ये क्लाइंट इनिशिएटेड कनेक्शन होने की वजह से सर्वर को ये पता भी हो कि ये 10 चीजें भी क्लाइंट को रिक्वायर्ड होंगी, जब तक क्लाइंट उनकी रिक्वेस्ट नहीं करता था तब तक सर्वर उनको भिजवा नहीं सकता था। और चौथा यह था कि चूंकि ये HTTP प्रोटोकॉल बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे चल रहा होता था, तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाले एक्स्ट्रा मैसेजेस या एक्स्ट्रा पैकेट्स होते थे वो एक ओवरहेड के तौर पे आ रहे होते थे। इन चीजों को सामने रखते हुए उन्होंने स्पीडी या SPDY जो है इसको बनाया, गूगल वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अंदर उन्होंने कुछ पुरानी चीजों की लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए कुछ बेनिफिट्स नजर आए। क्या क्या थे वो? नंबर एक तो ये कि जो SPDY था या स्पीडी था ये सिंगल TCP कनेक्शन ओपन करता था। तो जैसा कि पहले होता था कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कनेक्शन बन रहे हैं, TCP कनेक्शन है तो उसमें कनेक्शन का जो हैंडशेक होता है उसका ओवरहेड अलग से आ रहा होता था, तो उसको इन्होंने ओवरकम कर दिया और स्पीडी में एक सिंगल TCP कनेक्शन ओपन करके मल्टीप्लेक्स फॉर्मेट में सारी की सारी ऑब्जेक्ट उसे एक कनेक्शन पर भिजवा देता था। तो जो मल्टीपल कनेक्शन का हैंडशेक टाइम और इस तरह की चीजें थी ओवरहेड वो खत्म हो गया। उसके बाद इसके अंदर उन्होंने फीचर रखा हुआ था रिक्वेस्ट प्रायोरिटाइजेशन का, तो उससे यह फायदा होता था कि आपकी एक ही कनेक्शन के ऊपर जब मल्टीपल चीजें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो 15-20 जो उस पेज के साथ एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो जा रहे हैं तो उसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन का ऑप्शन होता था कि उसकी वजह से क्या होता था कि जिन कुछ चीजों की प्रायोरिटी हाई कर दी जाती थी वो पहले क्लाइंट को उस एक ही सिंगल लाइन के ऊपर डिलीवर होती थी और फिर उसके बाद बाकी चीजें। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि आपका जो HTML पेज है, आपके जो JavaScript है जो कि आपकी फंक्शनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रायोरिटी में ज्यादा ऊपर होते हैं, और जो आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं वो थोड़ी सी लो प्रायोरिटी में होती हैं, इसलिए कि आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी एक बार एक्टिव हो जाए और उसके बाद जो ग्राफिक्स हैं वो आपको ग्रेजुअली होले होले नजर आना शुरू हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्पीडी है ये सपोर्ट करता था रिक्वेस्ट प्रायोरिटाइजेशन को, जिसमें फिर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफ दैट वेबसाइट होती थी उनको प्रायोरिटी हाई करके उनको पहले क्लाइंट को सेंड कर दिया जाता था, और जो जो थोड़ी सी लेस प्रायोरिटी रखने वाली चीजें होती थी उनको फिर उसके बाद भिजवाया जाता था क्लाइंट को सिंगल कनेक्शन। उसके बाद तीसरा इसके अंदर बेनिफिट ये था कि ये सर्वर पुश मैकेनिज्म को सपोर्ट करता था। उससे फायदा ये होता था कि अगर आपने www.google.com लिखा है तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आप उसको भी बताएं कि मुझे गूगल के दरमियान में जो इमेज आ रहा है वो भी भेजो, उसके अंदर जो चार JavaScript हैं वो भी भेजो, और उसके अलावा जो एक साइड पे बटन बना हुआ है उसकी भी डिटेल भेजो या उसकी भी फाइल्स भेजो, बल्कि सर्वर को पता होता था कि ये सारी चीजें जो कि इस पेज के साथ ही एम्बेडेड है तो सर्वर अपनी तरफ से वो सारी चीजें क्लाइंट साइड में पुश कर देता था, और मतलब है कि वो क्लाइंट के कनेक्शन का इंतजार करने की वो जहमत या जो टाइम डिले होता था वो आपका बच जाता था। और उसके बाद चूंकि ये भी था तो उसी तरह HTTP की तरह हेडर के हवाले पे चल रहा होता था, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर ये दिया हुआ था कि हेडर की कंप्रेशन को सपोर्ट करता था। तो होता ये था कि हेडर की कंप्रेशन की वजह से आपको लेस नंबर ऑफ बाइट्स ड्यूरिंग ट्रांसफर जो है वो लेस नंबर ऑफ बाइट्स या लेस बैंडविड्थ का जो है ना आपको वो ओवरहेड बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि हेडर कंप्रेस होते थे और वो जब सर्वर सेंड करता था तो कंप्रेस करके करता था, और जब क्लाइंट साइड होती थी उसको डीकंप्रेस करके उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर लेता था। इसके साथ साथ स्पीडी की कुछ लिमिटेशंस भी सामने आई है। उन्होंने जो पिछली चीजों को ओवरकम किया और अपना जो नया प्रोटोकॉल बनाया उसको जब इंप्लीमेंट किया तो उसके बाद इसकी भी कुछ लिमिटेशन सामने आई, जो कि कुछ ये थी कि नंबर एक तो ये कि स्टिल वो चूंकि स्पीडी TCP बेस्ड ही था तो इसकी वजह से TCP का कंजेशन कंट्रोल वाला जो इशू होता था वो इसकी परफॉर्मेंस को एकदम से डाउन कर देता होता था। नंबर टू उन्होंने इस चीज को मद्देनजर या इस चीज को टैकल करने के लिए इनिशियली उन्होंने ये किया कि उन्होंने स्पीडी के लिए मॉडिफाइड TCP की अप्रोचेस इस्तेमाल की।
तो उससे उनको ये प्रोसेस या ये वाला प्रॉब्लम तो उन्होंने ओवरकम कर लिया, लेकिन अब जाहिर है कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों राउटर्स इंप्लीमेंट हुए हुए हैं, तो उन राउटर्स पे इस मॉडिफाइड टीसीपी की अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना, वो एक अलग बहुत बड़ा चैलेंज था, टास्क था, और एक तरह का वो अनइम्प्लीमेंटेबल किस्म का एक सोल्यूशन था कि इस चीज को अपने लैब में, तो अपने पास जो राउटर्स हैं उनके ऊपर तो आपने वो मॉडिफाइड टीसीपी का जो कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंट करके देख लिया, बट अब इसको पूरी दुनिया में कहाँ जगह जगह प्रोपेगेट कैसे किया जाए, क्योंकि जाहिर है अगर एक पैकेट गूगल के सर्वर से या किसी भी वेब सर्वर से चल रहा है, वो क्लाइंट की तरफ जा रहा है, तो बीच में जो बहुत सारे राउटर्स हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी पैकेट लॉस का इशू होता है, तो उसकी वजह से वो कंजेशन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो फिर इशू बन जाएगा। और तीसरी चीज उसके अंदर थी कि चूंकि ये सिंगल स्ट्रीम बेस्ड था, जैसा कि मैंने बताया कि वो मल्टीपल कनेक्शन नहीं बनाता बल्कि एक ही कनेक्शन बनाता है और उसी के ऊपर ये सारा डाटा भिजवा देता है सिंगल स्ट्रीम में, तो अगर आपका बीच में कोई एक भी पैकेट लॉस आता है तो क्या होता था कि आपकी पूरी की पूरी स्ट्रीम वेट करती रहती थी, बिकॉज टीसीपी जो है वो चूंकि पैकेट को इन ऑर्डर ट्रांसमिशन के हवाले से वो मैनेज करता है, तो अगर उसमें से एक भी पैकेट लॉस होता था तो वो पूरी की पूरी ट्रांसमिशन जो है वो रुक के वेट करती रहती थी कि वो जो सेंडर साइड है वो दोबारा से वो पैकेट रीसेंड करे, रीट्रांसमिशन अगर हो, और जब वो पैकेट आके अपने उस पूरी स्ट्रीम के बीच में अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर लगे तो फिर वो स्ट्रीम रीअसेंबल होके आगे उसको प्रोसेसिंग शुरू होती थी। तो इस तरह से अगर बीच में कहीं पैकेट लॉस हो तो आपका वो जो जो ड्रास्टिक वेट टाइम आता था कि जब तक वो पैकेट रिट्रांसमिट होके वापस अपने अपने ऑर्डर के अंदर ना पहुंच जाए, तब तक वो पूरी की पूरी स्ट्रीम जिसके अंदर आपका एचटीटीपी का पेज और जावास्क्रिप्ट और इमेजेस और ये वो सारी चीजें होती थी वो फिर उसकी वजह से वेट करती रहती थी। तो ये जब स्पीडी के लिमिटेशन सामने आई तो इनको सामने रखते हुए फिर क्विक को इंट्रोड्यूस करवाया गया तकरीबन उसके 6 साल या 4 साल के बाद, 5 साल के बाद सॉरी। तो क्विक के अंदर क्या क्या बेनिफिट थे? क्विक जो है सबसे पहले जो टीसीपी बेस नहीं था, जो कि एचटीटीपी और स्पीडी के अगेंस्ट, इसको उन्होंने यूडीपी बेस्ड बनाया, तो ये यूडीपी के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता था। उसके बाद जैसा कि उसके अंदर एसएसएल टीएलएस एचटीटीपीएस के हवाले से इस्तेमाल हो रही होती थी सिक्योरिटी, तो इन्होंने क्विक ने अपनी डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी डीटीएलएस इंप्लीमेंट की, जो कि उसकी निस्बत बहुत फास्ट भी थी टीएलएस और एसएसएल के निस्बत, और कंपेरेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। जितनी सिक्योरिटी आपको टीएलएस से मिल रही होती थी उतनी सिक्योरिटी डीटीएलएस भी दे रही होती थी, बट बेस्ड अपॉन यूडीपी। उसके बाद चूंकि यूडीपी बेस्ड था तो इसलिए इसके अंदर डेटाग्राम की जो डिलीवरी थी, डेटाग्राम एक्चुअली जो टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल होता है वो पैकेट्स को पैकेट कहता है, जबकि यूडीपी में उनको डेटाग्राम कहा जाता है पैकेट्स को, तो ये डेटाग्राम को पैकेट ही समझ लिया ना। तो इसके अंदर चूंकि यूडीपी में इन ऑर्डर डिलीवरी नहीं चाहिए होती, तो इस वजह से इसकी स्पीड भी फास्ट होती थी कि बीच में कोई पैकेट मिस भी हो गए, रीट्रांसमिट भी करने पड़ गए, तो बाकी के पैकेट जो है वो अपनी डिलीवरी वगैरह वो जारी रखते थे। और उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था कि खुद का जो प्रोटोकॉल था वो जब एक कनेक्शन एक बार बना लेता था तो वो अपनी कनेक्शन आईडी उसको असाइन कर देता था, वो कनेक्शन आईडी फिर सारे सब्सिक्वेंट पैकेट्स के अंदर यूज होती रहती थी। तो उससे क्या फायदा होता था कि अगर किसी जगह कोई कनेक्शन ब्रेक हो भी गया गलती से, या अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं कि अगर आप किसी वायरलेस नोड, जिससे स्क्रीन आ गई नजर सर जी जी कंटिन्यू जी जी तो मैं था इसके क्विक बेनिफिट के पॉइंट नंबर 4 के ऊपर कि ये क्विक क्या कर रहा था कि वो अपनी कनेक्शन आईडी सेव कर लेता था, और कनेक्शन आईडी सेव करने के बाद जितनी भी सबसीक्वेंट सारी ट्रांसमिशन होती थी वो कनेक्शन आईडी का वो साथ डाटा लेके चल रही होती थी, कनेक्शन आईडी नंबर। उससे क्या फायदा होता था कि अगर आपका बीच में कहीं कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो जब नेक्स्ट पैकेट आप दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद भेजते हैं तो आपको दोबारा से वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का ओवरहेड बर्दाश्त नहीं करना पड़ता था, वो जो नेक्स्ट पैकेट होता था उसमें आप वही पुरानी वाली कनेक्शन आईडी जब देते थे तो सारे का सारा डाटा उसी वाली स्ट्रीम के ऊपर पास ऑन हो जाता था। इसकी दो तरह के बेनिफिट हो सकते हैं इस वाले ऑप्शन के। एक तो ये कि अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो आपको दोबारा से कनेक्शन के लिए दोबारा से हैंडशेक नहीं करना पड़ता, बल्कि वो पुरानी कनेक्शन आईडी आप देते हैं तो आपका सारा डाटा उसी पुरानी कनेक्शन आईडी के अगेंस्ट प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और सेकंड ये कि अगर आप कोई मोबाइल यूजर है, लाइक एक बंदा है वो मतलब मोबिलिटी के अंदर इसको यूज कर रहा है और वो एक नोड से दूसरे नोड में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4G कनेक्शन यूज कर रहे हैं और साथ आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रैवल करते करते एक वो जो BTS होता है उसके दायरा का से निकल के अगले BTS में शिफ्ट होते हैं, तो इस दौरान में आपका जो कनेक्शन अगर ब्रेक आता भी है तो इवन देन आप
दोबारा से कनेक्शन दोबारा एस्टेब्लिश करने का वर्ड बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कनेक्शन आईडी साथ जा रही है और वो कनेक्शन आईडी ऑलरेडी उनके पास सेव है। तो जो ही आप अगला पैकेट नए बीटीएस के थ्रू विद द पुरानी कनेक्शन आईडी भिजवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो डाटा या जो प्रोसेसिंग है वो उसी पुराने वाले जो स्ट्रीम चल रही है उसके अगेंस्ट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है जो कि अभी मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि मेरे सामने ऐसे कंट्रोल आए हुए हैं, तो ये सर मैं स्लाइड से देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि उसके आगे जो है वो कंट्रोल आ गया इसका, ये जो जूम की मीटिंग का होता है, तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा जी। ये था क्विक सपोर्ट फॉरवर्ड एरर करेक्शन कोड टू अवॉइड डाटाग्राम रीट्रांसमिशन। तो इसके अंदर जब 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 पैकेट्स या डाटाग्राम सेंड हो रहे होते हैं तो उसके अंदर उन्होंने फॉरवर्ड एरर करेक्शन का एक कोड डाला हुआ होता है, और उस कोड की मदद से अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उस डाटाग्राम के उस पैकेट की कुछ बिट्स आगे पीछे हो भी जाए, मतलब वन की जगह जीरो है जीरो की जगह वन उसके अंदर आ भी जाए, तो उसके अंदर फॉरवर्ड कुछ एरर करेक्शन की रूटीन इंप्लीमेंट हुई भी होती है, और उस एरर करेक्शन की रूटीन को यूज करते हुए जो आपका क्लाइंट साइड है रिसीविंग साइड है वो उसकी मदद से उस एरर को अगर थोड़ी बहुत बिट्स आगे पीछे हो जाती है चेंज हो जाती है वन की जगह जीरो या जीरो की जगह वन हो जाती है, तो उनको वो फॉरवर्ड एरर करेक्शन की मदद से खुद ही क्लाइंट साइड सेट कर लेती है, बजाय इसके कि वो पूरे ऑल टुगेदर सेंडर को रिक्वेस्ट करे कि भाई आप ये जो पैकेट है ये मेरे से पास कुछ गड़बड़ होकर पहुंचा है तो आप दोबारा से रिट्रांसमिट करें, और फिर वो ऑल टुगेदर वो सेंडर से लेके रिसीवर तक पूरे का पूरा वो पास प्रोसेस हो। उसकी जगह वो जो क्लाइंट साइड है वो फॉरवर्ड एरर करेक्शन रूटीन्स को इस्तेमाल करते हुए उन बिट्स को खुद से रेक्टिफाई कर लेता है अप टू सर्टेन लिमिट। अगर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो फिर तो सारे फॉरवर्ड एरर करेक्शन की रूटीन भी फेल हो जाती है, बट ये कि अप टू सम एक्सटेंट वो छोटे मोटे जो एरर्स होते हैं उनको वो पैकेट को खुद से ही सेट कर लेता है। तो यही जो सारी बातें हमने पीछे देखी हैं उनको पिक्टोरियल फॉर्म में शो किया गया है। सबसे ऊपर आ रही है HTTP की ट्रैफिक, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर आपके फॉर एग्जांपल एक पेज आपने रिक्वेस्ट किया क्लाइंट ने सर्वर से, और उस पेज के अंदर तीन तरह की फाइल है, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि HTTP का जो पेज है जिसको HTML पेज कह लें आप, वो आपका ब्लू कलर से शो हो रहा है, और कुछ उसके अंदर एक इमेज है जो कि ग्रीन कलर के पैकेट से शो हो रहा है, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो रेड कलर के पैकेट से शो हो रही है। तो वो क्या कर रहा था क्लाइंट के, वो इन तीनों के लिए तीन कनेक्शन एस्टेब्लिश होते थे, और फिर सर्वर उन तीनों फाइल्स को HTML फाइल को इमेज फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल को तीनों को अलग अलग कनेक्शन के अगेंस्ट क्लाइंट साइड को भिजवाता था इस चीज की। तो इसलिए हमारे काफी सारे कनेक्शन बांधे होते थे। इस चीज को स्पीडी ने कैसे हैंडल किया, उसने एक ही सिंगल कनेक्शन बनाया, और उस एक ही सिंगल कनेक्शन के ऊपर ये तीनों फाइल्स के पैकेट्स डिफरेंट उसमें उन फाइल को मुख्तलिफ पैकेट्स में कन्वर्ट करके उन पैकेट्स को एक ही सिंगल स्ट्रीम के ऊपर भिजवा दिया। इसमें इशू कहाँ पे आया, इसमें HOL ब्लॉकिंग का इशू आ सकता है कि अगर आपका इस पूरी स्ट्रीम में एक भी पैकेट कहीं पे ड्रॉप होता रहता है बीच में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ये सारी की सारी ट्रांसमिशन रुकी रहेगी क्योंकि TCP इन ऑर्डर डिलीवरी को सपोर्ट कर रहा होता है। तो फिर वो दोबारा से वो वाला पैकेट स्पेसिफिकली रिट्रांसमिट होगा, यहाँ पहुंचेगा आके अपनी स्ट्रीम में अपनी रेलेवेंट जगह पे ऑर्डर में फिट होगा, और फिर ये स्ट्रीम प्रोसेस होगी। तो ये इसके अंदर एक बड़ा इशू आता था। और जहां तक क्विक है, ये ऑल्दो स्ट्रीम तो सिंगल होती है, सर यहाँ पे फिर मेरा आपको नीचे वाला हिस्सा उसके अंदर मिक्सअप हो रहा है, देख लो। जी तो इसके अंदर जो क्विक है इसके अंदर वो मल्टीप्लेक्स उसी तरह से करता है जिस तरह से स्पीडी कर रहा होता है सिंगल उसके ऊपर, लेकिन इसके अंदर दो फीचर होते हैं। तो ये कि ये सारे के सारे चूंकि UDP बेस्ड प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं ना कि TCP पे, तो इसलिए इसके अंदर इन ऑर्डर डिलीवरी का कोई इशू नहीं होता अन ऑर्डर डिलीवरी का, और वो पैकेट प्रोसेस हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर कोई पैकेट बीच में गड़बड़ एक लेवल एक सर्टेन एक्सटेंट तक कोई गड़बड़ इसमें अगर हो भी जाती है पैकेट के अंदर, तो वो फॉरवर्ड एरर करेक्शन रूटीन की मदद से क्लाइंट साइड के ऊपर खुद से ही सही कर दी जाती है, और उस पैकेट की रिट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे वो चीज बताई गई है कि जो TCP का पैकेट है, जी सर यहाँ पे वो चीज बताई गई है कि जो TCP का पैकेट है वो अगर HTTP पे ट्रांसफर हो तो वो कैसे होगा, और अगर उसी के ऊपर TCP के साथ TLS भी इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि सिक्योरिटी HTTPS के ऊपर चला जाए बजाय HTTP के ऊपर, तो फिर उसके अंदर मजीद कुछ ओवरहेड आ जाते हैं कि जब TCP जो है यहाँ पे सर TCP जो है अगर वो सिंपल करेक्ट
एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, चाहे ये HTTP के केस में हो चाहे SPDD के केस में हो, तो वो बकायदा क्लाइंट और सर्वर का आपस में हैंडशेक जो TCP का 3-way हैंडशेक होता है वो कर होता है, और उसके बाद आपका जो मेन कनेक्शन होता है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अगर TCP के साथ आप TLS में इंप्लीमेंट कर लें तो सबसे पहले TCP का हैंडशेक होता है, उसके बाद TLS के हवाले से की एक्सचेंजेस होती हैं, और उसके बाद फिर जो है आपका जब वो TLS और TCP के हैंडशेक दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी ओरिजिनल जो पैकेट होता है, जो आपका जो रिक्वायर्ड पैकेट है जो आपने उनसे डाटा रिक्वेस्ट किया है, उसकी ट्रांसमिशन शुरू होती है। जबकि क्विक के केस में क्या होता है, क्विक के अंदर सिंपल इनका आपस में हैंडशेक होता है क्लाइंट साइड का और सर्वर साइड का, और उसके बाद फौरन से ये जो है ना अपनी एक्चुअल डाटा के ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। तो इसकी मदद से ये आपके सामने जो नीचे टेबल बना हुआ है कि जो फर्स्ट कनेक्शन है वो TCP और TCP प्लस TLS फॉल करेंगे स्पीडी और HTTP के केस में, और ये यहाँ पे क्विक वाला जो है ये इनमें क्या होता है कि ये TCP एक सिंपल HTTP वाला प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो 1 RTT रिक्वायर्ड होता है, राउंड ट्रिप टाइम रिक्वायर्ड होता है। TCP और TLS के केस में 3 राउंड ट्रिप टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, पहले TCP का हैंडशेक और उसके बाद TLS का हैंडशेक और उसके बाद की एक्सचेंज का, जबकि क्विक के केस में सिर्फ एक ही आपको RTT चाहिए होता है। और अगर आपके जो रिपीटेड कनेक्शंस हैं जो कि बाद में आने वाले कनेक्शंस हैं या मजीद कनेक्शंस बना रहे हैं, तो उस सूरत में अब आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया अगर किसी सिनेरियो में, तो उस सूरत में TCP के केस में सेम वही 1 राउंड ट्रिप टाइम चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्शन बनाएं या दोबारा से रीकनेक्ट कर रहे हो। TCP और TLS के केस में शुरू में फर्स्ट कनेक्शन की बेस पे 3 RTT चाहिए होते हैं राउंड ट्रिप टाइम, जबकि लेटर ऑन आपको 2 RTT चाहिए होते हैं। जबकि क्विक के केस में शुरू में तो आपको ये एक बार कनेक्शन बनाना पड़ता है, अगली बार आपको कोई RTT नहीं चाहिए होता, अगली बार जो ही आप दोबारा रिकनेक्ट होते हैं तो आप सिंपल अपना वही पुराने वाला जो कनेक्शन आईडी होता है उसको एम्बेड करके अपनी ट्रांसमिशन वापस वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा से कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं रहती। उसके बाद इसका तीसरा सेक्शन जो है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद शफक जो है वो प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे, वो था डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का। तो चूंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इन लोगों ने जो ये पेपर लिखने का मकसद ये था कि वो इन तीनों प्रोटोकॉल का कंपैरिजन पेश करें कि इन तीनों प्रोटोकॉल में कौन सा वाला किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उसके अंदर क्या किया कि इन्होंने 4 वेबसाइट्स होस्ट की गूगल साइट्स के ऊपर। जो पहली साइट थी उसको उन्होंने स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम दिया, इसके अंदर जो वेबसाइट थी जो वेब पेज था उसके साथ 5 एम्बेडेड ऑब्जेक्ट थे, यानी कि वो 5 स्मॉल ऑब्जेक्ट को कॉल करता था। फिर दूसरी जो इसके अगेंस्ट साइट थी, जो दूसरी साइट थी नंबर 2 साइट, वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थी, उसका जो वेब पेज था वो उसके अंदर 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कॉल की गई थी, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ इस टेस्ट सिनेरियो के केस में इमेजेस थे। फिर तीसरा जो वेबसाइट थी वो स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, जो पहली वाली थी वो स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि उसके अंदर 5 एम्बेड हुए हुए थे इमेजेस, या 5 इमेजेस को वो लिंक कर रहा होता था वो पेज, जबकि जो 3 नंबर वाला है वो स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था, यानी कि 400 बाइट से लेकर 8 किलो बाइट तक के साइज वाले इमेजेस को ये थर्ड नंबर वाली वेबसाइट कॉल कर रही होती थी, डिस्प्ले कर रही होती थी। और जो चौथा सिनेरियो था उसके अंदर जो वेबसाइट थी वो लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिनका साइज 128 किलो बाइट तक का था इमेज का, उन इमेजेस को उसने अपने अंदर एम्बेड किया हुआ था, उनको वो कॉल कर रही होती थी। तो इस तरह से इन्होंने ये 4 वेबसाइट्स बना ली गूगल साइट के ऊपर, और इनको फिर उन्होंने आगे प्रोसेस करके देखा कि इन वेबसाइट को जब हम एक्सेस करते हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज में तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, ठीक है। और गूगल साइट पे इनको होस्ट करने का मकसद ये था क्योंकि क्विक जो है स्पेसिफिकली गूगल प्रोटोकॉल था, तो गूगल की जो प्रोडक्ट्स है वो सारी की सारी इस प्रोटोकॉल पे चल रही होती थी। तो इन्होंने चूंकि वेबसाइट तो HTTP वगैरह की बनाई होंगी, यानी कि HTML के ऊपर, लेकिन चूंकि वो गूगल साइट के ऊपर होस्ट की हुई थी तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब उनको हम एक्सेस करते थे तो क्विक प्रोटोकॉल के ऊपर शिफ्ट हो जाती थी। तो उसके बाद इन्होंने बीच में एक TC नेटन का एक सर्वर लगा दिया। उस सर्वर का काम ये था कि जब नेट पे ट्रैफिक आ रही होती थी जा रही होती थी तो डिफरेंट तरह की कंडीशन को उस स्ट्रीम पे अप्लाई करता था, कि फॉर एग्जांपल आप उसको कह दें कि जी इसकी बैंडविड्थ इतनी कर दो तो बैंडविड्थ कंट्रोल कर लेता था नेटम का सर्वर, या अगर आप कह दें कि इस कनेक्टिविटी के अगेंस्ट या इस एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट आप 2% पैकेट लॉस डालना शुरू कर दो, तो वो नेटम का जो सर्वर था वो क्या करता था कि जितने भी पैकेट आ जा रहे होते थे उनमें से 2% पैकेट को वो ड्रॉप कर देता अपने तौर पर।
क्लाइंट साइड को जब वो पैकेट नहीं पहुंचे थे तो वो यही एज्यूम करता था कि वो पैकेट लॉस हो गया, तो उसके अगेंस्ट वो रेमेडियल मेजर एक्सपायर कर देता था। तो इस तरह से ये चीजें जो है उन्होंने एक शेपर सर्वर जो कि टीसी नेटम था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और क्लाइंट साइड के ऊपर उन्होंने क्रोम का हार जो एक एड ऑन है वो इस्तेमाल किया। और हार एड ऑन का मकसद क्या था कि वो कैप्चर करता था जितनी भी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके लॉग को, उसके अंदर सारी डिटेल ऑफ द ट्रैफिक, कितने पैकेट आए, कितने गए, किस तरह से हुआ, वो सारी कम्युनिकेशन, कितना टाइम हुआ, ये सारी चीजें वो जो हार है वो कैप्चर कर रहा होता था। तो ये उनका जो है ना डिजाइन सिनेरियो था कि आपके राइट मोस्ट साइट के ऊपर गूगल साइट्स थी जिसके ऊपर इन्होंने 4 वेबसाइट होस्ट कर दी, और इंटरनेट के थ्रू जब वो क्लाइंट साइट के पास आ रही थी, टेस्ट पीसी के पास आ रही थी, तो यहाँ उस टेस्ट पीसी से पहले उन्होंने शेपर सर्वर के तौर पर एक सर्वर इंप्लीमेंट कर दिया जो कि उसके अंदर डिफरेंट तरह की वेरिएशन लाकर टेस्ट करने के काम आ रहा होता था, और एंड में क्लाइंट साइड के ऊपर हार प्रोटोकॉल से उन्होंने लॉगिन करके उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की थी। और सिनेरियो जो इन्होंने रन किए थे वो ये थे कि नेटवर्क के अंदर इन्होंने 3 तरह की बैंडविड्थ को टेस्ट किया। पहली जो बैंडविड्थ थी लो बैंडविड्थ वो 2 मेगाबिट पर सेकेंड की थी, जो मीडियम बैंडविड्थ थी वो उन्होंने 10 मेगाबिट पर सेकंड की वैल्यू के ऊपर टेस्ट की, और जो हाई बैंडविड्थ थी वो 50 एमबीपीएस की वैल्यू के ऊपर उन्होंने 3 तरह के टेस्ट रन किए। उसके जो राउंड ट्रिप टाइम था, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी जो थी वो उनके जो गूगल एएस था उससे फासला इनके एएस का कम था, यानी कि एशियन प्रेस नंबर जो होता है वो जो आईएसपी वाला होता है, तो इनका जो स्टैंडर्ड टाइम आ रहा था राउंड ट्रिप टाइम गूगल के सर्वर के साथ जहां पे ये वेबसाइट होस्ट हुई भी थी वो 18 मिलीसेकंड था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसी नेटम सर्वर को यूज करते हुए उसको इंक्रीज किया, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग की 18 मिलीसेकंड के राउंड ट्रिप टाइम के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने नेटम की मदद से उसके अंदर 200 मिलीसेकंड की एडिशन किया राउंड ट्रिप टाइम में उस नेटम को यूज करते हुए, और उन्होंने दूसरी जो सेटिंग को टेस्ट किया वो 218 मिलीसेकंड की राउंड ट्रिप टाइम को था, और उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड पैकेट लॉस 0% के ऊपर पहले तो उसको सारे सिनेरियोस को रन किया, और उसके बाद इन्होंने 2% का पैकेट लॉस खुद से इंड्यूस करवाया और फिर उनकी परफॉर्मेंस इन तीनों प्रोटोकॉल्स की कंपेयर की। उसके बाद जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेब पेजेस के लिए उन्होंने जो 4 सिनेरियो बनाए उसमें से एक नंबर बेस्ड था और एक साइज बेस्ड था। तो जो नंबर बेस्ड 2 सिनेरियो थे वो ये था कि एक पेज के अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स थी और दूसरे पेज के अंदर 50 ऑब्जेक्ट्स थी एम्बेडेड, और इसी तरह से साइज वाला जो सिनेरियो था उसके अंदर जो पहला सिनेरियो था उसके अंदर 400 बाइट से 8 किलोबाइट तक के साइज के इमेज थे, जबकि दूसरे वाले वेब पेज के अंदर 128 किलोबाइट के साइज के इमेजेस थे। तो यहाँ से जो है सेक्शन हमारा रिजल्ट का शुरू होता है, और रिजल्ट एंड ऑनवर्ड जो उनके कंक्लूजन वगैरह है वो फिर मिस शफक जो है वो प्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ सर मैं इजाजत चाहता हूँ, और मैम शफक जो है वो अपनी स्क्रीन खुद से शेयर करके अब यहाँ से ऑनवर्ड प्रेजेंट करेंगी। Assalamu alaikum sir, can you see my screen? Yeah. Thank you. Okay, so now I'll present and I'll conclude the results and we'll discuss the future work. So, these are not playing. So in the results section, they have mentioned the cumulative distributive function. They have used cumulative distribution function for the result pattern. So according to them, in the picture which is presented here and the next one, in these two graphs, the performance of the protocols is not like much different, and according to them there is a little and minor difference between the average values, so we cannot say that the one protocol is better than the other. So according to them, the protocols have not a lot of difference. Or agar hum log yahan pe dekhen to QUIC or SPDY and HTTP, the three of them are similar. So the authors have explained that the three protocols have performed similarly in good network condition. So in 50 Mbps and they have performed it in 50 Mbps and then in 2 Mbps as well. And in both of these conditions, the results were similar. So there we cannot say that one protocol have performed well than the other one. So in the third picture,
The bandwidth chosen is 10 Mbps and it is for large websites. So the first one I've discussed was for the less number of websites and for minimum amount of data. And when we were downloading from those websites with small and medium page size, then the performance was not different, and it was not, we cannot say that one protocol is better than the other. But in these pictures, and when the bandwidth was 10 Mbps, the large and the websites were large, then high speed link, because we have used, they have used here the high speed link, and according to them, QuickQuick has performed poorly in this situation. In this picture and the next one. In both of these, the QuickQuick has performed poorly. So, in the previous one, these two, it doesn't seem to perform poorly. Go back to the previous slide. This one. Yeah, in this one, QuickQuick performs quite well, actually. You see, it's very close to. They have mentioned in their paper that in picture 4C and 4D, QuickQuick performs worse than Speedy and HTTP. Maybe you have confused it with something else, because look at the blue line. Do you think this is performing poorly or it's performing good? What's your opinion? I guess Faisal has merged the pictures, I guess. No, but you can see the results. I mean, you should be able to. Yes, yes. I have now noticed that. Yes, I guess they are merged. Okay, please continue. This picture, I guess, is the one. Yeah. Yes. So now I have to find out what are the next two pictures here. I hope they are at their right position. In this one, like according to the author, I'll share the sequence-wise picture as well. I'll share with you. So in the 4D and 4F pictures, according to the paper, the extra packet loss performance was not good in the Speedy case. Like in the Speedy did not performed well in extra packet loss. Why? So, what was the reason? Yes, I'll tell the reason. So the limitation was that as per the information provided in the paper, the test was not performed in the multimedia contents. Like they have performed 48 tests, but they did not perform the test on audio and video data streams to check like on these platforms how these protocols will perform. So this was the limitations of them, and yes, I'll discuss that, the Speedy reason. So the conclusions, the author tested total of 48 scenarios, but they did not, like I have mentioned, the limitation that they did not have work on video and audio streams. So the major findings were that the performance of QuickQuick is poor in case of high bandwidth and large data. Like when you will have high bandwidth and large amount of data, then you should not use QuickQuick. But the performance of QuickQuick was excellent in case of high RTT values. So the RTT is round trip time, and especially when bandwidth was low. Like when bandwidth was low and the RTT values was high, then the QuickQuick was performing good. And QuickQuick performance of QuickQuick's forward error correction was excellent in high packet loss scenario. When like the authors have observed that when the packet loss scenario was high, then QuickQuick performed well. So these were the conditions when QuickQuick was performing good and poor. So the performance of Speedy is poor in high loss environment due to HOL blocking. So this was the question of your answer. This is the answer of your question, that why Speedy was not performing good. Because of HOL blocking. So HOL blocking is head of line blocking. So what is head of line blocking? Can you explain? Yes, sir. Can I explain after the presentation? Yes, sure. Thank you. So the major findings we have is performance of SPDY is poor in high loss environment due to HOL blocking, like I discussed. Then performance of QuickQuick and Speedy is excellent than HTTP in case of small object size. When they were using the small object size, that then QuickQuick and SPDY performed well. Why? Because of multiplexing. So the performance of HTTP is excellent in case of high speed, high packet loss, and high number of large objects. So we have observed that HTTP was working
good in large objects and meanwhile in small objects as well, but the quick did not work well with the large objects. Quick is the answer of Google in order to devise the best protocol in order to deliver web contents. And Quick main feature is to multiplex the objects of website in a single stream over UDP against one web request. It means that Quick should be used when Quick works well and it's best protocol when you have to deliver web contents and when we need to do multiplexing or when you need small object size and you need to work with small object size, then you should use Quick. So according to the authors, they have some limitations as well. So they need to do some future work. So the future direction given by the author is that to research further in the same field and test more scenarios of Quick implementation. And they can also work in the video and audio mode as well, like I have mentioned. They also have aim to perform performance analysis on future Quick versions. Like it was, the paper wasn't, is not, is recent, but there are some more versions of Quick as well in will come in future as well. So they have a name to perform performance analysis on them as well. So now I'll discuss HOL blocking. So HOL blocking is a performance limiting phenomena. Like jab aapke paas first packet, like a line of packets hota, line mein packets aa rahe hote hain, aur jo first packet hota, that अगर वो जो फर्स्ट पैकेट होता है अगर वो से एक्चुअली मतलब मुझे बहुत ज्यादा नहीं इसके बारे में पता बट मैं एक्सप्लेन कर दूं जी फैसल आप एक्सप्लेन कर दें सर इसमें चूंकि जो दोनों है ना क्विक भी और स्पीडी भी ना ये दोनों सिंगल स्ट्रीम के ऊपर काम कर रहे होते हैं ये एक ही स्ट्रीम के ऊपर बाकी सारे पैकेट जितने भी पैकेट होते हैं पुश कर रहे होते हैं तो चूंकि स्पीडी जो है वो बेस्ड ऑन टीसीपी है तो उसके अंदर क्या होता है कि टीसीपी इन ऑर्डर डिलीवरी चाह रही होती है उसके एक फीचर है कि आपका जो पैकेट्स हैं वो सारे के सारे इन ऑर्डर होने चाहिए तो अगर बीच में कहीं के ऊपर भी आपका बीच में पूरी स्ट्रीम में से एक पैकेट भी मिस हो जाता है खराब हो जाता है किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है या पहुंच नहीं पाता तो उस सूरत में क्या होता है कि वो बाकी सारी की सारी स्ट्रीम को रोक के रखता है जब तक कि उस पैकेट की रिट्रांसमिशन हो और उसकी सही वाली कॉपी जो है वो आके अपने उस पैकेट स्ट्रीम के अंदर पॉइंट पे फिट ना कर दिया जाए तब तक बाकी के सारे पैकेट भी जो कि बिल्कुल फ्री डिलीवर हो गए होते हैं वो रुके रहते हैं अब इसमें इशू क्या होता है कि स्पीडी चूंकि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी एक ही गो में एक ही कनेक्शन के अगेंस्ट मल्टीप्लेक्स करके भिजवा रहा होता है तो उसकी वजह से अगर उस पूरी लाइन के अंदर बिलफर्ज अगर 25 ऑब्जेक्ट्स हैं और उन 25 में से किसी एक ऑब्जेक्ट का एक पैकेट में कोई गड़बड़ आ गई है तो वो बाकी के 24 ऑब्जेक्ट को भी रोक के रखेगा जब तक कि वो जो एक पैकेट है वो रीट्रांसमिट ना हो जाए सेंडर साइड से और आके वो उस अपने उसमें पहुंच ना जाए यानी कि उस स्ट्रीम के अंदर तो वहां पे लाके उसको उस पैकेट के ऑर्डर के अंदर जहां पे उसने फिट होना होता है उसको वहां पे वो रखता है और उसके बाद वो उस पूरी स्ट्रीम को प्रोसेस करने के लिए ऊपर वाली लेयर से मुराद एक लाइन साइड के ऊपर रिसीविंग साइड के ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होती है उनको प्रोसेसिंग के लिए भिजवाता है लेयर नंबर 4 एंड ऑनवर्ड कह लें आप उसको ना अच्छा रिजल्ट्स पे जाएं जरा रिजल्ट्स पर स्लाइड्स अच्छा आगे जाएं आगे प्लीज नेक्स्ट वन नेक्स्ट स्लाइड नंबर 22 पे जाएं अच्छा स्लाइड नंबर 23 ठीक है इस स्लाइड के अंदर क्या हो रहा है सर इस स्लाइड के अंदर जो बैंडविड्थ है उन्होंने हाई दी हुई है और साथ इन्होंने ना उसी वो जो नेटम का जो सर्वर लगाया हुआ था उसकी मदद से पैकेट लॉस इंट्रोड्यूस करवाया तो पैकेट लॉस का मतलब ये है कि जितना भी स्ट्रीम्स आ रही हैं जा रही हैं उसमें वो 2% पैकेट को वो नेटम का सर्वर खुद से ड्रॉप कर देता है तो अब इसके बाद जब इन्होंने यहाँ पे वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो वाली वेबसाइट जिसके अंदर उन्होंने 50 वो रखे हुए थे एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स कह लें पिक्चर्स वगैरह रखी हुई थी उसको इन्होंने यहाँ पर इस वाले सिनेरियो में रन किया 50 MB/s के ऊपर जबकि आपका पैकेट लॉस भी 2% का आ रहा है 2% पैकेट लॉस हो रहे हैं
तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो HTTP है वो सबसे उसने बेस्ट परफॉर्म किया. बेस्ट उसने इसलिए परफॉर्म किया कि बेसिकली उसने बहुत सारे कनेक्शन खोले हुए होते हैं. उसने वो 50 सब्जेक्ट थे तो 50 सब्जेक्ट के लिए उसने 50 कनेक्शन खोले हुए थे अलग अलग. अब उससे फायदा ये हुआ कि उसमें से अगर 2% ऑफ द कनेक्शन यानी कि 50 में से आप कह लें कि एक वो पैकेट जो है अगर उस स्ट्रीम के अंदर कोई गड़बड़ आ भी गई तो उसकी उसके ऊपर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि बाकी के जो पैकेट हैं वो चूंकि अलग अलग या बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग कनेक्शन की वजह से वो आ रहे हैं, मतलब अलग अलग कनेक्शन के ऊपर वो आ रहे हैं. तो अगर उसमें से किसी एक दो कनेक्शन के अंदर कोई इशू हो भी जाता है, उनके कुछ पैकेट लॉस हो भी जाते हैं, तो वो वाली ऑब्जेक्ट वो वाली रिट्रांसमिशन दोबारा होंगी और बाकी की जो है वो डिलीवरीज अपने अपने पॉइंट के ऊपर अलग अलग रहते हुए वो पहुंच जाएंगी. इसकी वजह से यहाँ पे HTTP ने बड़ा फिट परफॉर्म किया. और सेकेंड नंबर पे आया क्विक. क्विक इसलिए सेकंड नंबर पे आया कि क्विक के अंदर उन्होंने फॉरवर्ड एरर क्वेक्शन इंट्रोड्यूस कराई हुई थी. तो क्विक ऑल्दो सिंगल स्ट्रीम के ऊपर चल रहा था, एक ही स्ट्रीम के ऊपर सारे के सारे ऑब्जेक्ट आ रहे थे, बट स्टिल चूंकि उसके अंदर कुछ एक तो फॉरवर्ड एरर क्वेक्शन की रूटीन लगी हुई थी तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ पैकेट को जो कि लॉस हुए थे उनको उसने, खैर वो तो जो लॉस हो गए थे उनका तो उसने कुछ नहीं किया होगा क्योंकि जाहिर है वो दोबारा से रिट्रांसमिट ही हुए होंगे, लेकिन उस रिट्रांसमिशन के अंदर भी रिकनेक्शन की कॉस्ट बच गई इनकी. उसने वही पुराना कनेक्शन आईडी इस्तेमाल करते हुए उन पैकेट्स को दोबारा से भिजवा दिया होगा तो उनका जो हैंडशेक वाला पूरा प्रोसेस है वो अकर नहीं हुआ. इसलिए सेकेंड नंबर पे जो परफॉर्मेंस आई थी वो आई थी क्विक की. और थर्ड नंबर पे सबसे जो गलत परफॉर्मेंस पैथेटिक परफॉर्मेंस रही वो स्पीडी की रही. वो इस वजह से रही कि चूंकि वो सारे के सारा एक ही स्ट्रीम के ऊपर आ रहा था और उसमें से कुछ पैकेट लॉस हुए तो वो एक तो वो बाकी सारे कर लिया हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की वजह से बेसिकली. जी सर एक्चुअल ठीक है. अच्छा शफक ये बताएं कि आजकल का जो हमारा इंटरनेट है उसके अंदर क्या चीज ज्यादा इफेक्ट करती है वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस को, इज इट द बैंडविड्थ और द लेटेंसी? सर बैंडविड्थ. रीजन सर इस पेपर में भी हम लोगों ने देखा है कि जब 50 Mbps हमारे पास थी बैंडविड्थ तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं आए. और लेटेंसी भी कर सकती है. जी फैसल आप बताएं. सर लेटेंसी आई गेस. सर यहाँ पे लेटेंसी का क्या रीजन है? शफक आप बताएं लेटेंसी का क्या रीजन है? व्हाई डज इट अफेक्ट और हाउ डज इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस? सर क्योंकि हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए इसलिए. टर्न अराउंड टाइम कम्युनिकेशन जब हो रही होती है तो उसमें टर्न अराउंड टाइम ज्यादा होना चाहिए इसलिए लेटेंसी रीजन है. लेटेंसी किसको ज्यादा अफेक्ट करेगी, स्मॉल वेबसाइट्स को या लार्ज वेबसाइट्स को? सर लेटेंसी बेसिकली जो होती है एक डिले होता है बिटवीन अ यूजर एक्शन और वेब एप्लीकेशन के दरमियान में, जो वेब एप्लीकेशन का रिस्पांस होता है टू दैट एक्शन. सो ये टोटल राउंड ट्रिप होता है इसलिए जो हमारे पास लार्ज वेबसाइट्स होती हैं उसको ज्यादा करेंगे. जी फैसल आप बताएं. सर इस तरह है कि लेटेंसी जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए कर रही होती है, एक तो ये कि वैसे आपका जो हाई बैंडविड्थ होती है उसकी वजह से आपके अगर कोई पैकेट को लॉस को इस तरह का अगर हो भी जाता है तो इवन HTTP भी उसको रिट्रांसमिट करवा के भिजवा देता है और वो हाई बैंडविड्थ की वजह से पहुंच जाता है. जो मैटर कर रहा होता है वो आपका लेटेंसी फैक्टर होता है आपका और वो जो कह लें आपका सर्वर है उसके दरमियान में कितने हॉप्स हैं और उसका आपस में वो जो टाइम कितना ले रहा है सर्वर से एक पैकेट आप तक पहुँचने में वो निस्बतन ज्यादा मैटर कर रहा होता है. बिकॉज अगर वो ज्यादा है तो आप हाई बैंडविड्थ पे पहुंचे तब भी वो लेटेंसी का फैक्टर जो है वो बीच में अपना पार्ट प्ले कर रहा होगा, चाहे आप एक कनेक्शन बना के सारा कुछ मंगवाएं. स्मॉल वेबसाइट्स को ज्यादा इफेक्ट करेगी हाई लेटेंसी या लार्ज वेबसाइट्स को ज्यादा इफेक्ट करेगी? सर अब ये डिपेंड करेगा कि आप कनेक्शन का प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ये जनरल कॉन्सेप्ट देखे ना. मल्टीपल कनेक्शन बनाने हैं तो अगर वो स्मॉल वेबसाइट है या लार्ज वेबसाइट है दोनों के ऊपर उसका एक तरह का ही इम्पैक्ट आ रहा होगा. लेकिन छोटे छोटे साइज के ऑब्जेक्ट लेकिन सर नंबर ऑफ साइज, हाँ नंबर ऑफ साइज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है
उनको लेटेंसी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उसमें अगर आप HTTP यूज कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल कनेक्शन बनाने हैं, तो हर कनेक्शन जो है फिर वो, अगर उसमें 1-1 किलोबाइट की भी फाइल आ रही है, लेकिन उससे पहले वो कनेक्शन के बनाने के लिए जितने आपको उससे हेलो हाई करनी पड़ेगी, हैंडशेक करने पड़ेंगे, तो ज्यादा टाइम ले लेंगे। यानी कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे आपका वो इम्पैक्ट लेटेंसी का ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पार्शियली तो एक क्या होता है लार्ज जनरल साइज अगर और एक है कॉन्सेप्ट लार्ज देखते नंबर, हैं। तो लार्ज नंबर वाले में वो लेटेंसी ज्यादा इम्पैक्ट करती अच्छा साइज को भी अफेक्ट करती है। देखिए अगर आपका बड़ा साइज है उसको लेटेंसी इतना अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। जो आपके स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए चीजें रिलेटिव है ना, आपके पास अगर ऑब्जेक्ट है उसका साइज जो है ना छोटा सा है, 1 KB का है या 500 जो है ना आधे KB का है, और जो लेटेंसी है वो तो फिक्स्ड है। सपोज अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका सर्वर जो है वो US में है, तो आपको जितना राउंड ट्रिप उसके लिए करना है जाने में और आने में, स्पीड ऑफ टाइम वो तो आपको करना ही स्पीड ऑफ पड़ेगा। टाइम एग्जैक्टली वो तो करना ही पड़ेगा, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल बैंडविड्थ आप चाहे, आप कहते हैं मैं जो है ना 10 GB नहीं, मैं 100 GB की बैंडविड्थ ले लेता हूँ, वो बैंडविड्थ आपको कोई फायदा नहीं दे सकती, बिकॉज आपको यहाँ से अमेरिका जाने और वापस आने में जो लेटेंसी है वो तो आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो द पॉइंट ऑफ क्विक प्रोटोकॉल इज टू रिड्यूस दीज राउंड ट्रिप्स, ठीक है ना। जितना आप राउंड ट्रिप्स कम कर लेंगे उतना आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, और ज्यादा इंप्रूवमेंट जो शो होगी वो छोटी वेबसाइट्स पे होगी, जो स्मॉल वेबसाइट्स हैं। जो बड़ी वेबसाइट है, अगर आप 100 MB की एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हाई बैंडविड्थ की वजह से, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है, टाइम के साथ साथ वो जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का साइज ही बहुत ज्यादा छोटा है, 1 KB का ऑब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से अगर आप उसके RTT को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक सही है, कह रहे हैं। ओवरऑल वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बहुत डिटेल के अंदर आपने जो है ना हर चीज एक्सप्लेन की थी, और अंडरस्टैंडिंग जितने भी इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट वो आपने बड़े अच्छी तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग शो किया क्वेश्चन आंसर्स में भी, और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हुए भी। सो ओवरऑल वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। तो टाइम आई थिंक ओवर हो गया, शायद आपका कोई दूसरा लेक्चर भी होगा अभी। सर दूसरा कोई लेक्चर तो नहीं है, बिकॉज वो मतलब ये हमारी सेकंड सेकंड क्लास कह लें आप, आज की हमारी, कल आपकी पहली क्लास होगी तो बाद में नया लेक्चर होगा। तो अच्छा अच्छा सर अच्छा अगर तीसरी प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, मुझे तो कोई इतराज नहीं, बाकी से पूछ लें, देने प्रेजेंटेशन और लेने तो वाला। नहीं अभी टाइम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स रहते थे वो मैं आई थिंक कहाँ है, दो बच्चे इमरान और आसिम, आई थिंक वो तो इमरान जी तो सर, है, आसिम कहाँ है, जी आसिम, आसिम भी था अभी। आसिम को जरा कॉल करके बुला लें, आपसे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन में कर लेता हूँ, ठीक है सर हमारा कंक्लूड हो गया, हमारे वाला पेपर। जी जी, आपका कंक्लूड हो गया। सर, थैंक यू सो मच। बाकी फिर हमारा तो कल ही होगा ना फर्स्ट टाइम, ग्रुप 3 और 4 का। जी आपका कल कर लेंगे, अभी लेट हो जाएगा, ठीक है, कल मैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4 को हम कर लेंगे। इंशाल्लाह सर, ग्रुप 3 और 4 जिनका कल है वो अभी लीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने असर की नमाज भी पढ़नी है, नहीं पढ़ी अभी तक। वो कल होगा, सुहीर ग्रुप थ्री भाई और फोर आपका तस्वीर कल अहमद का होगा, ग्रुप अभी कल। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक 5 मिनट में इनको मैं करता हूँ, ठीक है। उसके तो बाद आसिम साहब अभी आए नहीं। अच्छा तो चलें, आपको भी